मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो, वेलकम टू टेक्निकल सक्खर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि नेचुरल टाइप में आपको यहाँ पे जो है लीफ स्टाइल में देखने को मिल रही है। तो इस तरह की हम वीडियो एडिट करेंगे काइन मास्टर के अंदर। सो अगर आप इस तरह की वीडियो एडिट करना चाहते हो अपने फ़ोटो पे या किसी के भी फ़ोटो पे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को लाइक कर देना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को आपने लाजमी से प्रेस करना होगा। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ करूँगा उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से के डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यार क्या करें, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, तो इंस्टाग्राम पे भी आपने मुझे फॉलो कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले आपने चले जाना है काइन मास्टर के अंदर। सो यहाँ पर मैंने काइन मास्टर को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। सो आपने भी काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास ये काइन मास्टर नहीं है तो इंस्टाग्राम पे आ जाए, मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा कि इस काइन मास्टर को आपने कैसे यूज़ करना है। सो उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये काइन मास्टर का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आपने यहाँ से रेशो सेलेक्ट करना है, 1:1 वाला जो इंस्टाग्राम का रेशो है ये वाला रेशो आपने सेलेक्ट कर देना है। देन उसके बाद नीचे आपको क्रिएट का ऑप्शन मिल रहा है, तो क्रिएट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, गैलरी में चले जाना है। देन उसके बाद आपने सबसे पहले एक छोटी सी सेटिंग करनी है, वो कौन सी सेटिंग है, आपने यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। देन नीचे आपको एडिटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, एडिटिंग पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर जो है फिट इन स्क्रीन और फिल स्क्रीन। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने फिल स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपने इसे बैक कर लेना है। अब बैक करने के बाद आपने अपने फोटो सेलेक्ट करने, जो भी फोटो आप लगाना चाहते हैं, अपने फोटो लगाना चाहते हैं या मॉडल के फोटो लगाना चाहते हैं, तो आपने वो फोटो सेलेक्ट कर देने हैं। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 3 से 4-5 फोटो यहाँ पर जल्दी जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। तो आप अपनी मर्जी के कोई भी फोटो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये फोटो ऐड कर रहा हूँ, तो आप अपनी मर्जी के कोई भी फोटो ऐड कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी फोटो आपको अच्छे लगे वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो जैसा कि यहाँ पर मैं ये फोटो ऐड कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आपने भी अपने फोटो यहाँ पर ऐड करने हैं। यहाँ पर ये वाला फोटो भी ऐड करता हूँ, जो फोटो अच्छे लगे वो यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैंने फोटो ऐड कर ली है। तो इसका फ़ायदा ये हो चुका है कि अब हमारे जो फोटो हैं बिल्कुल स्क्रीन के अंदर फिट हो चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पर अगर कोई फोटो आपका फिट नहीं आता तो आपने फोटो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो है पैन एंड जूम का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर इस पर आपने क्लिक करके यहाँ से इसे डबल लाइन पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर इसे फोटो को अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर बैक कर लेना है। तो यहाँ पर ये वाला फोटो है, तो इस तरीके से आपने जो जो फोटो यहाँ पर एडजस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं इस फोटो को भी थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर इसे बैक कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर ये फोटो एडजस्ट कर देने हैं। ठीक है गाइस, तो अब देखें मेरे फोटो यहाँ पर एडजस्ट हो चुके हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये वाला फोटो भी थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो ये देखें, यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लास्ट वाले फ़ोटो को भी थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये फ़ोटो एडजस्ट कर लिए। देन उसके बाद आपने आ जाना है फर्स्ट पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन पे आने के बाद भाई आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है, इस फोटो पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिप ग्राफिक्स का ऑप्शन मिल रहा है, ये देखें, यहाँ पर क्लिप ग्राफिक्स पे आपने क्लिक कर देना है। और आपने ये वाला जो ग्राफिक है ये वाला, ये आपने डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है, ऊपर आपको यहाँ पर स्टोर का ऑप्शन मिल जाता है, स्टोर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने ये इसका जो नाम है वो यहाँ पर सर्च कर देना है। ये नाम आपको दिख रहा है यहाँ पर जो है फोटो स्पीयर, यहाँ पर ये वाला जो यानी कि क्लिप ग्राफिक है ये आपने जो है डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, पहले फोटो पे आपने ये दो वाले जो ऊपर वाले ओपनिंग वाले जो यानी ग्राफिक्स हैं ये आप नहीं लगाने। उसके बाद ये जो आपको मिडिल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे मिडिल वाला, ये वाला आपने पहले वाले फोटो पे ऐड करना है। तो ये देखें इस तरीके से। अब देखें यहाँ पर आपको जो है ये टेक्स्ट दिख रहे हैं, यहाँ पर ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें टेक्स्ट। अब टेक्स्ट पे आपने क्या करना है, यहाँ पर टाइटल पे क्लिक करना है और यहाँ पे डॉट ये लगा देना है। ठीक है, ये देखें मैं यहाँ पर दूसरे वाले पे डॉट लगा देता हूँ। तो जैसे आप डॉट लगाएंगे तो यहाँ पर जो टाइटल होगा ये ऑटोमेटिक यहाँ से खत्म हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है गाइज, उसके बाद आपने नेक्स्ट वाले फोटो पे क्लिक करना है, क्लिप ग्राफिक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद अगेन आपने फोटो स्पिरिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो मिडिल टू है ये वाला ट्रांजिशन आपने यहाँ पर
लगा देना, ठीक है। उसके बाद इसका जो टाइटल है इसे भी अपने थोड़े डॉट यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अगर डॉट आप ऐड नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो वाटर मार्क की यानी कि आपको जो टाइटल का जो वाटर मार्क है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपने अगेन थर्ड फोटो पे क्लिक करना है और क्लिप ग्राफिक्स पे क्लिक करके यहाँ से ये वाला ग्राफिक्स चूज़ करना है। देन उसके बाद आपने आ जाना है नीचे, यहाँ पर एडिटिंग वन जो है इसे आपने सेलेक्ट कर देना है। ये देखें मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो ये देखें इस तरीके से। अब इसके टाइटल पर आपने क्लिक कर देना है और ये वाला डॉट आपने यहाँ पर लगा देना है, और सेकंड नंबर पे भी ये वाला डॉट आपने लगा देना है। तो ये देखें यहाँ पर ये भी ऐड हो चुका है। उसके बाद आपने फोर्थ नंबर फोटो पे क्लिक करना है। इसी तरीके से आपने ये वाला जो ट्रांजिशन है, सॉरी, आपने यहाँ पर ये वाला जो क्लिप ग्राफिक्स है ये आपने लगा देना है। ये देखें यहाँ पर मैंने ये भी लगा दिया। तो आप अपनी मर्जी के कोई भी ग्राफिक्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर काफ़ी सारे ग्राफिक्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपने ग्राफिक्स यहाँ पर ऐड कर देने हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाला ऐड कर लेता हूँ, ठीक है गाइज, ये ऐड हो चुका है। और उसके बाद इसका टाइटल हम चेंज करेंगे इस तरीके से, तो ये टाइटल भी चेंज हो चुका है। सो गाइस देख सकते हैं अब जितने भी मैंने फोटो यहाँ पर ऐड किए थे उन सब के ऊपर यहाँ पर जो ये ग्राफिक्स यहाँ पर मैंने ऐड कर लिए हैं, ठीक है गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। सो अब आपने फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है। फर्स्ट पोजीशन पे आने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से जहाँ पर आपको लेयर का ऑप्शन मिलता है, ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ पर लेयर पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको ऊपर मीडिया का ऑप्शन मिल रहा है, मीडिया पर क्लिक कर देना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद भाई आपने क्या करना है, यहाँ से इस जो हमारी वीडियो है इसके अंदर आपने इसका जो बॉर्डर पीएनजी है वो ऐड करना है। वो कैसे ऐड करना है, यहाँ पर मैंने इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है। तो इस बॉर्डर पीएनजी को आपने ऐड करना है। उसके बाद स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपने यहाँ पर फिट टू फुल स्क्रीन पर क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन में करना है। उसके बाद आपने इसकी जो टाइम लाइन है इस टाइमलाइन को आपने खींच कर उतना कर देना है जितना आप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो, ठीक है गाइज। तो देखें यहाँ पर इस तरीके से। और उसके बाद आपने आ जाना है फर्स्ट पोजीशन पे और लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने एक दूसरा यहाँ पर जो है बॉर्डर लाइन वाला जो पीएनजी है वो भी ऐड करना है। वो कैसे ऐड करना है और उसकी लिंक कहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे दी है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है गाइज। ओके गाइज ये देखें यहाँ पर ये वाला जो पीएनजी है मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करके फिट टू फुल स्क्रीन कर देना है। देन उसके बाद बैक करके यहाँ से नीचे आना है, यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, एडजस्टमेंट पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपने आ जाना है लास्ट में, आपको ह्यू का ऑप्शन मिलता है, तो इसे आप थोड़ा सा लेफ्ट राइट करेंगे तो इसका जो कलर है वो यहाँ से चेंज होगा। तो आपने इसका कलर जो है थोड़ा सा ग्रीन कर देना है, ये देखें इस टाइप में। उसके बाद आपने बैक कर लेना है और यहाँ पर नीचे आकर इसकी जो टाइमलाइन है इसे आपने खींच कर उतना ही कर देना है जितना आप स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं। ये देखें मैं इसकी टाइमलाइन के हिसाब से इसे भी खींच कर बड़ा कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पर हमारी वीडियो काफ़ी प्रोफेशनल लग चुकी है। सो उसके बाद आपने क्या करना है, इस वीडियो को आपने सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आपने क्या करना है, ऊपर आपको एरो का ऑप्शन मिलता है, तो आपने इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से सेव इस वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को सेव कर लेना है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।